स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो लेवल फोर का क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग लिमिट को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज लिमिट का लास्ट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 से बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर दे दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, लिमिट x tending to 1, उसके बाद दिया हुआ है इन रूप में 1 माइनस cos 2 x माइनस 1 डिवाइड बाय दिया हुआ है x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसको देखा जाए तो इसमें सबसे पहले इसको रूट के बाहर निकालते हैं। रूट के बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x tending to 1 1 माइनस cos 2 थीटा के फॉर्म में कितना हो जाएगा इन रूट में 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे ये रूट में निकलेगा दो पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो रूट से निकालेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये रूट में 2 मॉड ऑफ इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो चीज होगा, ये मॉड एक होगा तो दो चीज होगा, एक होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू नेगेटिव पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो ये होगा आपको लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस रूट में 2 साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये देखिए x टेंडिंग टू 1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, तो साइन 0 बाई 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये देख रहे हैं ना, ये टोटल वैल्यू लेकर कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर कितना आएगा माइनस में रूट। और उसके बाद आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा वो पॉजिटिव लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 रूट में 2 उसके बाद हो जाएगा साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 1। फिर से ये देखेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा रूट में 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस रूट 2 और राइट हैंड लिमिट कितना रहा है रूट 2। यहाँ पर लिखेंगे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x tan 2x x tan 2x माइनस 2x इनटू tan x डिवाइड बाय दिया हुआ है 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x का फार्मूला कितना हो जाएगा x इनटू 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस में 2 tan 2x इनटू tan x 2x इनटू कितना हो जाएगा tan x, ठीक है। टोटल डिवाइड बाय यहाँ पर देख रहे हैं ना 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं sin के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे फर्दर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 tan x 2x और tan x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x इनटू tan x को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो आपके पास क्या बचा ये टोटल वैल्यू आपने बाहर निकाल दिया, कितना बचा 1 अपॉन 1 माइनस कितना बचा tan स्क्वायर x माइनस में 1 बचा।
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन रेज टू 4 एक्स आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, आपके पास आ जाएगा ये 2 से कैंसिल कर देते हो जाएगा 2, या फिर आपके पास x इनटू tan x, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी इसके डिवाइड बाई हुआ ये डिवाइड बाई टोटल डिवाइड बाई, हम नीचे डिवाइड कर देते हैं टोटल, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x साइन रेज टू 4x इनटू आपके पास क्या हो जाएगा साइन रेज टू 4x इनटू 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो फर्दर आपके पास क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, x इनटू tan x, ठीक है, x into tan x, ये tan स्क्वायर x है, कितना हो जाएगा आपके पास x into tan cube x, x into tan cube x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा sin raise to 4x into 1 minus tan square x आ जाएगा, ठीक है, 1 minus tan square x। अब ये देखेंगे x tending to 0 है, ये cube है, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ये रेस टू 4 है, एक इस चीज चाहिए x रेस टू 4 चाहिए, जब x रेस टू 4 से हमने क्या किया डिवाइड किया, x रेस टू 4 से हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर देखेंगे 1x से 1x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां पर कितना बचा 3x और x क्यूब बचा आपका, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा tan क्यूब x डिवाइड बाय ये क्यूब इसके नीचे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा x क्यूब into, ठीक है, into इसके नीचे कितना है आपके पास sin रेज टू 4x डिवाइड बाय x रेज टू 4 into आपके पास आया 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहां पर हमारे पास एक चीज छूट रहा है 2, ये 2 इधर हम लिख देते हैं व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 लिख देते हैं, यहां पर हम लोग 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1, x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो इधर भी आपके पास tan स्क्वायर 0 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा आपके पास 1/2 × 1 × 1 और × 1 आएगा, तो फाइनल आंसर कितना है आपके पास 1/2, ये फाइनल आंसर आएगा, व्हिच इज ऑप्शन नंबर कितना होगा आपके पास ए ऑप्शन होगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 2 टोटल रेज टू x दिया हुआ है, ठीक है, टोटल रेज टू x व्हिच इज इक्वल टू, तो यहां पर देखा जाए ये जो वैल्यू है अगर x को कॉमन ले लिया जाए x टेंडिंग टू इंफिनिटी है 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, 1 raise to infinity x को कॉमन लेंगे तो x tending to infinity 3 by x 2 by x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1 raise to infinity, 1 raise to infinity है, तो 1 raise to infinity होता है तो क्या करते हैं इसमें 1 को ऐड करते हैं और 1 को सबट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 plus x minus 3 divided by x plus 2 minus 1 raise to x आ गया, ये इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा लिमिट x tending to कितना infinity, उसके बाद 1 plus x minus 3 minus x minus 2 divide by कितना हो जाएगा x plus 2 raise to x आ गया, तो यहां पर देखेंगे x से x cancel हुआ minus 3 और minus 2 कितना हो जाएगा minus 5 हो जाएगा, this is equal to कितना है limit x tending to infinity 1 minus 1 plus minus 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x plus 2 आ गया, ठीक है, टोटल रेज टू x आ गया। अब यहां पर देखेंगे हम फार्मूला लगा सकते हैं, ये f है टोटल वैल्यू और ये g है, तो this is equal to कितना हो जाएगा e raise to limit x tending to infinity, ठीक है,
एफ एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इन टू जी एक्स की वैल्यू कितनी दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। इधर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास होगा कितना विच इज इक्वल टू ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहाँ पर देखें इसमें से x को कॉमन लीजिएगा, x को कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा ये माइनस फाइव एक्स डिवाइड बाई x को कॉमन लेंगे तो वन प्लस टू बाई x हो जाएगा। इस तरीके से हुआ तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है x टेंडिंग टू इनफिनिटी वन बाई x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो चलिए आगे आपके पास क्या आ जाएगा e रेस टू ये आपके पास जीरो हो जाएगा कितना हो जाएगा e रेस टू माइनस फाइव डिवाइड बाई वन प्लस जीरो हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया विच इज इक्वल टू e रेस टू माइनस फाइव ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 उसके बाद दिया हुआ है cos x माइनस 1 उसके बाद दिया हुआ है cos x माइनस e रेस टू x दिया हुआ है डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है x रेस टू n दिया हुआ है is a finite non-zero number. ये finite non-zero number है। तो आगे आपके पास क्या होगा आगे की कहानी हमको find out करनी है, ठीक है? चलिए हम एक बात करते हैं इसमें इसको माइनस को हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है? माइनस को कॉमन लेते हैं इसमें से हम लोग माइनस को भी कॉमन लेते हैं माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं कितना लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स और ये कितना हो जाएगा e रेस टू x माइनस में कितना हो जाएगा cos x क्योंकि इसमें से भी माइनस लिया इसमें से माइनस लिया तो प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x रेस टू n है तो 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई 1 प्लस cos x से डिवाइड कर देते हैं। देखिए आगे ये कहानी चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x और उसके बाद कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई किया और इधर हम लोग क्या करते हैं e रेस टू x माइनस में 1 कर दिया और उसके प्लस में 1 कर दिया और माइनस में cos x है, ठीक है? हमने क्या किया इसमें माइनस 1 किया और प्लस 1 किया और ये 1 प्लस cos x हमने कर दिया है मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा क्या हो जाएगा x रेस टू n 1 प्लस में कितना हो जाएगा cos x हो गया, ठीक है? वह a माइनस b और a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x उसके कितना हो जाएगा इंटीग्रल e रेस टू x माइनस 1 हो गया ये दोनों और इधर कितना हो जाएगा आपके पास इसको एक ब्रैकेट में लिखा प्लस में 1 माइनस कितना हो जाएगा cos x, ठीक है? डिवाइड बाय कितना आया आपके पास यहां पर x रेस टू n और उसके बाद कितना आया 1 प्लस में कितना है cos x आ गया, ठीक है? अब चलते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं कुछ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin स्क्वायर x, ठीक है? अब देख रहे हैं हम यहां से x रेस टू n में से हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, ठीक है? x रेस टू n को कैसे डिवाइड करते हैं x रेस टू n को हम आपको लिख सकते हैं x रेस टू n माइनस 3 इनटू x रेस टू 3 लिख सकते हैं इस तरीके से ये चीज आ जाएगा। इधर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको तो ये देखना ना x रेस टू 3 जो है यहाँ पर हम x स्क्वायर लिख सकते हैं और एक x इसके नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है? तो इसके ब्रैकेट के नीचे क्या हो जाएगा e रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस में 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x हो जाएगा, ठीक है? टोटल डिवाइड बाई हमने क्या किया x रेस टू n में से x क्यूब को निकाला हुआ है जो स्क्वायर इधर है और एक x इधर है ये हो जाएगा आपके पास कितना x रेस टू n माइनस 3 इनटू 1 प्लस में कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो अगर आपको देखा जाए इसको मैं कटा दे रहा हूं अगर यहां पर देखा जाए तो आपके पास क्या मिल रहा है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर देखेंगे हम लिमिट सेपरेट सब में लगा देते हैं, ठीक है? लिमिट सेपरेट सब में लगा देते हैं तो आपके पास मिलेगा क्या विच इज इक्वल टू यहां पर लिमिट लगा दीजिएगा हो जाएगा लिमिट
x tending to 0 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में लिमिट लगा देते हैं, लिमिट हर जगह जाएगी, e रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस, इधर भी लिमिट लगा दिया, लिमिट x tending to 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x, देख रहे हैं ना, टोटल डिवाइड बाय, इधर भी लिमिट हम लगा देते हैं, ये हो जाएगा कितना, लिमिट x tending to 0 x रेस टू 10 माइनस 3 इनटू 1 प्लस में कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पर देखेंगे यहां पर रखेंगे क्या हो जाएगा, 0 बाय 0 का फॉर्म हो जाएगा, इसमें l हॉस्पिटल लगा दीजिएगा, इस पार्ट में हम l हॉस्पिटल लगाते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, ये वैल्यू 1 आ गया, तो यहां पर देख रहे हैं ना हम लिमिट किस तरीके से, ये वैल्यू 1 आ गया, यहां पर ये वैल्यू 1 आ गया, ब्रैकेट में ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस l हॉस्पिटल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin x, माइनस साइन में कितना आ जाएगा, प्लस साइन x, x की वैल्यू 0 रखेंगे कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 टोटल डिवाइड बाय, अब यहां पर देखेंगे ये x की वैल्यू जब 0 रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1 होता है क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अब यहां पर देखेंगे ये फाइनाइट होना चाहिए, ये चीज फाइनाइट होना चाहिए, तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू होनी चाहिए अगर ये 0 हो जाए तो आपके पास फाइनाइट होना चाहिए, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए टोटल फाइनाइट आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए, ये यहां पर आपके पास 1/2 देख रहे हैं ना, ये 1 है, ये 0 है, यहां पर 0 जाएगा, 1/2 * x रेशियो कितना रहा है, n - 3 आ रहा है, ये वैल्यू क्या कर रहा है, व्हिच इज इक्वल टू 0, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहां पर आपके पास n-3 is equal to 0, तो n की वैल्यू कितनी आई, 3 आया, तो आपके पास आंसर कितना है, n की वैल्यू 3, which is option number कितना हो जाएगा, which is option number C, इसको फटाफट यहां पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है f(1) इज इक्वल टू, इन्होंने बोला एक फंक्शन है और वो रियल टू रियल डिफाइंड है, f(1) की वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद f(1) की वैल्यू 6 दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x tending to 0 1 plus x divided by f(1) total raise to इन्होंने दिया हुआ है 1/x दिया हुआ है, ठीक है, 1/x दिया हुआ है, इसको find out करना है, तो यहां पर अगर देखा जाए x की वैल्यू 0 रख देंगे f(1) divided by f(1) 1 हो जाएगा, 1 raise to कितना है, infinity, 1 raise to infinity को क्या लिखते हैं, यहां पर 1 plus 1 minus करेंगे, ये हो जाएगा limit x tending to 0 1, ये देख रहे हैं किस फॉर्म का है, 1 raise to infinity का फॉर्म का है, जो 1 raise to infinity का फॉर्म है क्या करेंगे, 1 plus f(1) plus x divided by आपके पास कितना हो जाएगा, f(1) minus में कितना हुआ 1 divided by raise to कितना हो जाएगा x, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, limit x tending to 0 1 plus f(1) plus x minus f(1) डिवाइड बाय कितना हो जाएगा f(1) टोटल रेस टू कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, चलिए अब इसको आप देख सकते हैं व्हिच इज इक्वल टू e रेस टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) * gx हो जाएगा, ये होगा f(1) plus x minus f(1) डिवाइड बाय f(1) * आपके पास ये x हो जाएगा, ठीक है, तो अगर देखा जाए ये रखा जाए 0 रखा जाए तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, एल हॉस्पिटल यहां पर हम लोग लगा सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगाइएगा, एल हॉस्पिटल आप लगा रहे हैं, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाने के बाद कितना हो जाएगा, e^2 व्हिच इज इक्वल टू e^2 लिमिट x टेंडिंग टू 0
इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा f डैश 1 प्लस x इनटू f 1 प्लस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाय आपके पास f ऑफ 1 क्या है कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 इनटू f ऑफ 1 हो गया तो आपके पास दिया हुआ x टेंडिंग्स टू 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा e रेज टू f डैश 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा f ऑफ 1 हो जाएगा तो f डैश 1 की वैल्यू 6 दिया हुआ है f ऑफ 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e रेज टू 6 बाय कितना हो जाएगा 3 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो फाइनल आंसर आपके पास कितना है e स्क्वायर आ गया तो इसका फाइनल आंसर कितना है e स्क्वायर व्हिच इज ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा c चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बात कर लेते हैं इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 उसके बाद दिया हुआ है sin nx नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में दिया हुआ है a माइनस n इनटू nx उसके बाद दिया हुआ है माइनस में कितना दिया हुआ है tan x डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है डिवाइड बाय x स्क्वायर दिया हुआ है व्हिच इज इक्वल टू कितना है 0 और उसके बाद इसमें कुछ बात दिया हुआ देन द वैल्यू ऑफ n इज ठीक है देन द वैल्यू ऑफ n इज चलिए आगे बात कर लेते हैं तो यहां पर देखेंगे x स्क्वायर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक x इधर करते हैं एक x इसके अंदर कर देते हैं ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 इसको लिख सकते हैं sin nx डिवाइड बाय x लिख सकते हैं इनटू एक x को हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितना हो जाएगा a माइनस n इनटू nx डिवाइड बाय x माइनस में कितना हो जाएगा tan x डिवाइड बाय x व्हिच इज इक्वल टू 0 आ गया अब लिमिट हर जगह लगा दीजिएगा और यहां से देखें एक x से एक x कैंसिल हो गया लिमिट लगा दो तो ये दिख रहा है ना यहां पर अगर लिमिट लगाएंगे तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा लिमिट x tending to 0 sin nx divided by x into इसके अंदर लिमिट लगाएंगे लिमिट हर जगह लग जाता है ये हो जाएगा लिमिट x tending to 0 a minus n into n minus ये कितना हो जाएगा लिमिट x tending to 0 उसके बाद कितना है tan x divided by x which is equal to 0 आ गया अब यहां पर देखेंगे sin nx divided by x है तो यहाँ पर क्या चाहिए n चाहिए तो n से मल्टीप्लाई करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी चलिए आगे फर्दर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना n व्हिच इज इक्वल टू यहाँ पर x है नहीं तो टोटल ये वैल्यू बच जाएगी देख रहे हैं ना ये टोटल वैल्यू बचेगी तो कितना हो जाएगा आपके पास n ब्रैकेट में a माइनस n इनटू n माइनस में 1 which is equal to 0 आ गया ठीक है which is equal to 0 आया अब a देखेंगे यहां पर इसको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा हो गया दो ब्रैकेट है एक ब्रैकेट ये है और दूसरा ब्रैकेट ये है यहां पर कितना हो जाएगा n is equal to 0 और a minus n my into n minus 1 is equal to 0 और को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा a minus n into n is equal to 1 हो गया n को इधर डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना हो जाएगा a की वैल्यू आएगी a की वैल्यू कितना आ जाएगी यहां पर a की वैल्यू आएगी व्हिच इज इक्वल टू इसको इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by n प्लस में n आएगा तो ये a की वैल्यू आ गई व्हिच इज ऑप्शन नंबर कितना हो गया व्हिच इज ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने बोला इफ fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन गने का मतलब डिफरेंशिएबल बोल दिया तो इन्होंने एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आपको मजबूर कर दिया ठीक है
इन्होंने बोला कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका दिया हुआ है इन्होंने एफ डैश टू की वैल्यू दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है, ठीक है। आगे दिया हुआ एफ डैश वन की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, एफ डैश वन की वैल्यू दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने बोला एफ डैश सी रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो उसके बाद इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, किसकी भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच और एफ ऑफ टू एच प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में एफ ऑफ टू डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ वन प्लस एच स्क्वायर प्लस में एच दिया हुआ है माइनस में एफ ऑफ वन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अगर x की वैल्यू जीरो रख दिया एफ ऑफ टू और नीचे एफ ऑफ वन हो जाएगा, तो जीरो बाई जीरो को फॉर्म हो गया, विच इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया। जब जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ डैश टू प्लस टू एच प्लस में एच स्क्वायर इन टू ये टोटल पार्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टू प्लस में टू एच हो जाएगा और माइनस इसका डेरिवेटिव जीरो डिवाइड बाई आपके पास इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एफ डैश वन प्लस में एच स्क्वायर प्लस एच इन टू इस पार्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एच प्लस में वन माइनस में कितना हो जाएगा जीरो आपके पास, सॉरी ये एच की वैल्यू है, ये एच है, ठीक है। अब एच की वैल्यू आप क्या करेंगे, जीरो रख देंगे, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे कितना हो जाएगा एफ डैश टू इन टू टू प्लस में जीरो डिवाइड बाई एफ डैश वन इन टू वन हो जाएगा, देख रहे हैं ना, वन प्लस में जीरो। आगे चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इस साइड में, तो आपके पास आया कितना, टू इन टू विच इज इक्वल टू टू इन टू एफ डैश टू आया डिवाइड बाई नीचे कितना आया आपके पास एफ डैश वन आ गया, एफ डैश टू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है, कितना आ जाएगा टू इन टू सिक्स डिवाइड बाई एफ डैश वन की वैल्यू कितना दिया टू, इससे इसको कैंसिल हुआ तो आपके पास ऑप्शन कितना आ गया, आंसर आया सिक्स, विच इज ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हुआ आपके पास, सॉरी एफ डैश वन की वैल्यू फोर दिया हुआ है, यहाँ पर एफ डैश वन की वैल्यू आपके पास फोर दिया हुआ है, एफ डैश वन की वैल्यू फोर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कितना वैल्यू रखेंगे, फोर रखेंगे, फोर रखेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर थ्री आएगा, सॉरी टू, टू यहाँ पर है आपके पास, एफ डैश वन की वैल्यू कितनी है फोर दिया हुआ है और ये टू दिया हुआ है, टू टू जा और टू थ्री जा, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया, थ्री आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर आपके पास कितना दिखा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज स्टीपली इंक्रीजिंग एंड डिफरेंशिएबल देन लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, ये दिया हुआ है आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, उसके बाद दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ पर जीरो रखेंगे यहाँ पर जीरो रखेंगे तो आपके पास ये दिख क्या रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख रहा है, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख रहा है तो अपने पास क्या होता है, एल हॉस्पिटल होता है, एल हॉस्पिटल रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं, कर दो अप्लाई, ये कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म में इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स टेंडिंग्स टू जीरो है, एक्स टेंडिंग्स टू जीरो रखो तो आपके पास कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू, रखिएगा
आपके पास यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। इस इज इक्वल टू कितना आएगा, याद आएगा एफ डैश जीरो इंटू जीरो माइनस एफ डैश जीरो डिवाइड बाई एफ डैश जीरो, टोटल वैल्यू जीरो आ गया। आंसर कितना है, माइनस में एफ डैश जीरो डिवाइड बाई एफ डैश जीरो आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं इससे एक कैंसिल हो गया, तो टोटल आंसर कितना आपके पास माइनस वन, विच इज ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आपको।